जरा सोचो, तुम्हारी अपनी बड़ी बहनें तुम्हें जिंदगी भर किसी लड़की से बात ही ना करने दे। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है जैक्सन नाम के एक 6 साल के लड़के से, जो अपनी क्लास की एक लड़की से प्यार करता था। एक दिन वो शादी का सर्टिफिकेट लेकर उसके पास पहुंच गया और उसे साइन करने को कहने लगा। जब उस लड़की ने इनकार कर दिया तो जैक्सन ने उसे उसकी पत्नी बनने के लिए 2 मूवी टिकट की घूस दी। लड़की ने साइन तो कर दिए, लेकिन मूवी देखने किसी और लड़के के साथ चली गई। बेवफा, इतना गंदा धोखा। 6 साल की लड़कियां भी चालाक हो रही हैं। जैक्सन की 5 बड़ी बहनें थी जो उसका कुछ ज्यादा ही ध्यान रखती थी। जब उसका दिल टूटा तो उन्होंने पूरी उम्र जैक्सन को लड़कियों से बचाए रखने की कसम खाई। इस घटना के 15 साल बाद अब जैक्सन 21 साल का हो चुका है, लेकिन अब भी उसके पास आजादी नाम की कोई चीज नहीं है। उसकी 5 बहनों में से सबसे छोटी बहन लिली उसी की क्लास में थी। दूसरी बहन वॉयलेट, जो कि काफी अच्छी तीरंदाज थी, वो अक्सर अपने तीरंदाजी के दम पर जैक्सन से काम करवाया करती थी। तीसरी बहन हेवन एक हैकर थी, जो किसी भी कंप्यूटर को आसानी से हैक कर लेती थी। उसने जैक्सन के स्कूल के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर रखा था ताकि वो अपने भाई पर नजर रख सके। उससे बड़ी बहन थी मेलेडी, जो जैक्सन के ही स्कूल में एक टीचर थी। उनकी सबसे बड़ी बहन है सारा, वो सबसे गुस्सैल है और पूरा परिवार उससे डर कर रहता है। उनके माँ बाप काफी पहले ही अलग हो गए थे और तब से सभी बहनें मिलकर एक दूसरे का ख्याल रखने लगी। एक दिन जैक्सन अपनी बहनों का पीछा करने से तंग आ गया था। उसके दोस्त ने उसे एक ऐसा सूट बना कर दिया जिससे वो आसानी से छुप सके। गलती से जैक्सन लड़कियों के लॉकर में फंस गया, लेकिन एक नई लड़की मैंग ने उसे पकड़ लिया और प्रिंसिपल के पास ले गई। मुसीबत में पड़ने से जैक्सन को कोई दिक्कत नहीं थी, बस उसकी बहनों को पता न चल जाए। शाम को घर लौटते हुए उसे डर लगा रहा कहीं स्कूल वालों ने ये बात उसकी बहन को ना बता दी हो, लेकिन जब घर पर उसे किसी ने कुछ नहीं कहा तो उसने चैन की सांस ली। डिनर के समय अचानक मेलेडी ने उससे पूछा, मुन्ना तुम लड़कियों के लॉकर में क्या ढूंढ रहे थे बेटा? तभी सबकी नजर बड़ी बहन सारा पर गई, जो गुस्से से लाल हो चुकी थी। इसके बाद सारी बहनें जैक्सन को जमीन पर घसीटती हुई ले गई और उसे उल्टा लटका दिया। इसके बाद सिलसिला शुरू हुआ पूछताछ का। क्या कर रहा था लड़कियों के लॉकर में हरामखोर? बिना लड़कियों के रहा नहीं जा रहा, इससे ज्यादा जवानी फूट रही है। असल में उन्होंने जैक्सन को किसी भी लड़कियों से आग तक मिलाने के लिए मना किया था ताकि कोई फिर से उसका दिल ना तोड़ सके। ये नहीं घर बसने देंगी अपने लौटने का। उसकी बहनों के हिसाब से ये सबसे बढ़िया तरीका था, ना तो वो किसी लड़की से मिलेगा और ना उसका दिल टूटेगा, सिंपल। लेकिन उस दिन पहली बार जैक्सन ने उल्टा जवाब देकर कहा, काहे ना देखे लड़की को, हमारे सारे दोस्तों ने गर्लफ्रेंड बना ली है, उन्हें देखकर हमारा दिल कितना जलता है जानती हो तुम। आखिरकार सारा ने शांत होकर कहा कि अगर जैक्सन ऐसी लड़की ढूंढ ले जिसमें उसकी सभी बहनों की काबिलियत हो तो वो उसे गर्लफ्रेंड बना सकता है और उन्हें कोई एतराज नहीं होगा। हालांकि ये काफी मुश्किल था, लेकिन जैक्सन ने चुनौती स्वीकार कर ली। अगले सुबह वो एक फट्टे पर बॉयफ्रेंड ले लो लिखकर घूमने लगा। उसके दोस्त ने उसे सलाह दी कि उसे उस नई लड़की मैंग से बात करनी चाहिए क्योंकि वो हर किसी की मदद करती है। फिर असल में हमने देखा कि मैंग उन लोगों की मदद करती थी जिन्हें सच में मदद की जरूरत थी ही नहीं, बेसिकली काम ही खराब करती थी लोगों का। जैक्सन उसे गर्लफ्रेंड बनाने के लिए राजी हो गया, लेकिन उसे तो लड़कियों से बात करनी ही नहीं आती थी। फिर उसका दोस्त कबूतर बनकर गया और मैंग के पास जाकर जैक्सन के तारीफों की पुल बांधने लगा। उसने कहा कि जैक्सन की बहनें उस पर अत्याचार करती हैं जिससे वो बेचारा बहुत परेशान है, तुम ही उसे बचा सकती हो मैं। ये सुनकर मैंग को उस पर तरस आ गया। मैंग उससे बात करने गई, लेकिन उसी वक्त किसी ने अफवाह फैला दी कि एक जंगली भालू ने बच्चों पर हमला कर दिया है। जैक्सन हीरो बनकर सबको बचाने लगा, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो नकली भालू था। नकली भालू ने उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया और वो सीधा हॉस्पिटल में ही उठा। जब उसकी आँख खुली तो उसके साथ मैग थी। हालांकि भालू वाला आइडिया कामयाब नहीं हुआ, लेकिन मैग फिर भी उसकी दोस्त बनने के लिए राजी हो गई। तभी वहाँ जैक्सन की 2 बहनें आ गई और अपना ख्याल ना रखने पर उसे डांटने लगी। ये देखकर मैंग को गुस्सा आ गया और उसने उन्हें रुकने को कहा। उसकी बहन हैरान हो गई जब मैंग ने कहा कि वो जैक्सन की गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर जैक्सन तो खुशी से पागल हो गया। अच्छा, ऐसा कब हुआ था? फिर घर जाकर उसकी बहनों ने पूछा, क्या सच में उसकी कोई गर्लफ्रेंड है? हमारे जैक्सन भैया ने स्माइल पास की, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। रंगबाज लोग हैं, ऐसे छोटे सवालों का जवाब नहीं देते। लेकिन जब सारा ने उससे पूछा तो उसे मैंग के बारे में बताना ही पड़ा। बहनों ने उसे एक बार फिर से उल्टा लटका दिया क्योंकि उन्हें उस पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। साले बहुत फॉरवर्ड हो रहा है, एक दिन में गर्लफ्रेंड बना ली। जैक्सन ने भी अपनी बहनों को समझाया, समझो बहनों, ये पहली नजर का प्यार है। हम दोनों की आंखें मिली, आंखों में आंखों ने बात की और बस प्यार हो गया। लेकिन उसकी इन बकवास बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया। फिर उन्होंने एक बार मैंग को परखने का फैसला किया कि वो उनके भाई के लायक भी है या नहीं। अगले दिन वॉयलेट, लिलीज और मेलेडी स्कूल में ऐसे पहुंची जैसे आज ही जंग लड़कर जाएंगी। जब जैक्सन और मैंग साथ थे तो वॉयलेट ने मैंग पर एक तीर चला दिया, लेकिन जैक्सन ने सही समय पर तीर रोक लिया और मैंग उन पर गुस्से में चिल्लाने लगी। जब वॉयलेट की तरकीब काम नहीं आई तो लिली ने जिम्मा उठाया। उसने स्कूल के एक से एक सुंदर चमकदार लॉन्डो को पैसे दिए कि जाओ मैंग को पटाओ, डेट पर
लेके जाओ और मेरे भाई का उससे चुंगल छुड़वाओ। वो चाहती थी कि मैंग बेवफा निकले, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आखिरकार जैक्सन ने मैंग को लड़कों से बचाया और दोनों भागने लगे। तभी वॉयलेट ने दूर से ही उन्हें देख लिया और उन पर तीर चला दिया। तभी अचानक बीच में एक बॉम्ब आ गया, जिस वजह से जबरदस्त धमाका हुआ, लेकिन खुशकिस्मती से किसी को चोट नहीं पहुंची। सब सोच रहे थे कि ये धमाका आखिर हुआ कैसे, और तभी हम देखते हैं कि केमिस्ट्री लैब में एक लड़का और बॉम्ब्स बना रहा था, जिसके इरादे किसी को नहीं पता थे, लेकिन उसी ने मैंग को वॉयलेट से बचाया था। बाद में जैक्सन और मैंग छत पर आइसक्रीम खाने गए। तब जैक्सन को पता चला मैंग उसकी गर्लफ्रेंड होने का नाटक इसीलिए कर रही है क्योंकि उसे लगता था कि जैक्सन की बहनें उसका गुर्दा किडनी निकाल कर बेचना चाहती हैं। जैक्सन ने फिर भी उसे सच नहीं बताया। उधर घर आकर लिली और वॉयलेट ने बताया वो काम पूरा नहीं कर पाई। हेवन ने मैंग को सबक सिखाने का जिम्मेदारी अपने सर ले ली। उसने स्कूल के सीसीटीवी से मैंग की अलग अलग वीडियोस उठाई और उन्हें जोड़कर ऐसे पेश किया जैसे मैंग बेहद खराब इंसान है, लेकिन इससे पहले वो उसे इंटरनेट पर डाल पाती लाइट चली गई। हमने देखा वही केमिस्ट्री लैब वाला लड़का उनके घर के बाहर था। उसी ने लाइट बंद करके मैंग को फिर से बचाया, लेकिन अभी भी उसकी असलियत कोई नहीं जानता। घर में तीनों बहनें अब अपनी से बड़ी बहन मेलिडी के पास गईं। अब मैंग से छुटकारा पाने की जिम्मेदारी उस पर थी। अगले दिन उसने खेल के लिए मैंग को चुनौती दी। पहले उन्होंने पलक ना झपकाने का मुकाबला किया और फिर मछली पकड़ने का। दोनों में जीत मेलिडी की हुई। अब फाइनल राउंड होने ही वाला था कि सबसे बड़ी बहन सैरा वहाँ आ गई। उसने मैंग को हैमर थ्रो की चुनौती दी। इसमें उन्हें लोहे की भारी भरकम बॉल को दूर तक फेंकना होगा। अपनी अद्भुत शक्तियों से सैरा ने बॉल को हवा में ही घुमा दिया। फिर उसने एक और गेंद उठाई, लेकिन उसमें से एक चाबी निकल गई। असल में ये एक बॉम्ब था जो किसी भी वक्त फट सकता है। मैंग ने ये देख लिया और उसने तुरंत सैरा से बॉल छीन ली। जब धमाका हुआ तो सैरा को एहसास हो गया मैंग ने उसकी जान बचाई है। अब वो मैंग को पसंद करने लगी और बाकी बहनों को भी उस पर पूरा भरोसा हो गया। ये देखकर जैक्सन भैया भी खुशी से झूमने लगे। इसके बाद जैक्सन और मैंग एक साथ काफी वक्त गुजारने लगे। वो एक साथ कई जगह घूमने जाते और अब उनके नकली प्यार की जगह असली प्यार ने ले ली थी। एक दूसरे को करीब से जानकर वो एक दूसरे से और प्यार करने लगे। एक शाम वो एक खाली बीच पर गए और पूरी रात साथ गुजारी। सुबह उन्होंने पहली बार एक दूसरे को गले लगाया, लेकिन पूरे वक्त कोई था जो उन पर नजर रखे हुए था। ये कोई और नहीं, वही केमिस्ट्री लैब वाला लड़का था। उन्हें साथ देखकर उसका खून खौल उठा। अगले दिन स्कूल में जब लिली ने अपना टिफिन खोला तो उसमें भी बॉम्ब फिट था। अचानक जोरदार धमाके से पूरा स्कूल हिल गया। जैक्सन तो ठीक था, लेकिन लिली को काफी ज्यादा चोट लगी। तभी मैंग ने जैक्सन और उसकी बहनों को एक साथ गले लगे देखा तो उसे एहसास हुआ कि ये भाई बहन एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। वो वहाँ से चली गई और जैक्सन उसके पीछे गया, लेकिन मैंग ने उससे कोई बात नहीं की। जैक्सन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। असल में मैंग सोचने लगी थी जब से वो जैक्सन की जिंदगी में आई थी तब से उसके और उसकी बहनों की जिंदगी में मुश्किल बढ़ गई है। शायद वो जैक्सन के लिए ठीक नहीं, इसीलिए वो जैक्सन से दूर रहने लगी। जैक्सन ने उसे बात करने की काफी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक रात बाहर तेज बारिश हो रही थी। जैक्सन ने टीवी पर देखा कि चारों ओर पानी भर गया है। तभी उसे याद आया मैंग तो आज स्कूल में बारिश के रुकने का इंतजार कर रही थी। वो फटाफट स्कूल की ओर भागा और उसने देखा कि मैंग अब भी बारिश में भीग रही थी। जैक्सन ने उसे गले लगाकर कहा, तुम पहले जैसी हो जाओ ना, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन मैंग ने उसे धक्का दे दिया। पता चला कि वो स्कूल छोड़कर जा रही है। उसने जैक्सन से कहा कि जब तक वो चली नहीं जाती तब तक उससे दूर रहे, इसी में उसकी भलाई है। बेचारे जैक्सन का दिल टूट गया और वो पूरी रात बारिश में भीगता रहा। अगली सुबह उसे किसी के पास आने की आहट सुनाई दी। उसे लगा कि ये मैंग है और उसने उसे गले लगा लिया, लेकिन ये तो वही लड़का था जो बॉम्ब बना रहा था। उसने मौका देखकर जैक्सन को किडनैप कर लिया। उस रात स्कूल में एक पार्टी थी, हर कोई मजे कर रहा था, लेकिन मैंग अकेली उदास बैठी थी। जैक्सन की बहनें भी परेशान थी क्योंकि जैक्सन कल से गायब था। उन्होंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की। पता चला कि उसका फोन आसपास ही है। तभी अचानक मास्क लगाकर एक आदमी स्टेज पर आया। उसने जैक्सन को किडनैप कर एक रॉकेट से बांध दिया था। जब सबने पूछा कि वो जैक्सन से इतनी नफरत क्यों करता है तो उसने बताया कि कोई उसकी तरफ देखता तक नहीं और ना ही उसका कोई दोस्त है। उसे पहली नजर में ही मैंग से प्यार हो गया था और उसने ही मैंग को जैक्सन की बहनों से बचाया, लेकिन फिर भी मैंग ने जैक्सन को ही चुना। इसीलिए अब वो जैक्सन से बदला लेना चाहता है क्योंकि उसने मैंग को उससे छीन लिया था। उसने गुस्से में रॉकेट का बटन दबा दिया। जैक्सन की बहनें मैंग और उसके दोस्तों ने रॉकेट को पकड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो कुछ ही पलों के लिए रुक पाया। उड़ने से पहले जैक्सन ने सबके सामने मैंग से अपने प्यार का इजहार किया। आखिरकार रॉकेट आसमान में उड़ गया और जैक्सन धमाके के साथ मर गया। इसके बाद हम देखते हैं कि मैंग एक कब्र पर पहुंची। जैसे ही उसने फूल चढ़ाए तभी जैक्सन वहां कूद पड़ा। असल में धमाके में वो बच गया था और बस उसका हार्ट टूटा। ये कब्र असल में मैंग की माँ की थी। इसके बाद जैक्सन की बहनें आ गई और फिर से पहले की तरह उसे तंग करने लगी और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो गई। ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।